हेलो एवरीवन, सो ये तुम्हारी स्क्रीन पे इस टाइम पर है एक्स स्क्वायर, फिर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर साइन एक्स, और अब मैं बना रहा हूँ इन दोनों का सम, दैट इज ये पिंक कलर से तुम देख पा रहे हो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, लेट अस से इस पॉइंट पे मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, और फिर यहाँ पर बैठ के हम लोग करेंगे एनालाइज क्या चक्कर है क्या नहीं है। ठीक है, तो इधर मैं इसको थोड़ा जूम करके मैं इसको अब एनालाइज करते हैं। क्या देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को देखता हूँ, मैं किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर लेट अस से मैं निकालना चाहता हूँ, तो ये जो हाइट है, ठीक है, मैं उसको सीधे वर्टिकली रखता हूँ, तो ये जो मैंने हाइट बनाई है ब्लू कलर से, ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर एक्स का स्क्वायर, अगर ये इसको मैं एक्स बोल रहा हूँ तो ये आपका एक्स स्क्वायर है ना, परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ और थोड़ा एच डिस्टेंस दूर, लेट अस यहाँ पर मैंने इसको एक और हाइट बना दी है, इसको इस हाइट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट, परफेक्ट। तो अभी के लिए तो इतना काफ़ी है, ठीक है, पहले अभी इन दोनों हाइट्स को रहने देते हैं, क्योंकि मेन हमें सिर्फ हाइट्स में इस टाइम पे खेलना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बनने वाला है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन एक्स के ग्राफ को, तो इसी पॉइंट पर अगर मैं साइन एक्स को देखता हूँ तो ये हाइट होगी, और साइन एक्स प्लस एच की ये हाइट होगी, राइट, नो डाउट ऑन दैट। ठीक है, और अब मैं बात करना चाहूँगा फाइनली अपने फंक्शन की, जो मेरा फाइनल फंक्शन है, दैट इज इन दोनों का समेशन, है ना, ये फंक्शन कौन सा था, ये था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं इसको ऐसे करके खींच दूँ, तो दिस इज इसको मैं इफेक्ट बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पिंक कलर से तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज एफ एक्स। ठीक है, और अब जो मैं दोबारा पिंक कलर से बनाने वाला हूँ, जो थोड़ा इससे लंबा होगा कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये होगा आपका एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो आई होप सो ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब देखो, अब मेन चीज़ आने वाली है, अब मेन चीज़ें हैं समझने के लिए, सबसे इंट्यूटिव चीज़ें आने वाली हैं, तो ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं वापस जाता हूँ अपनी स्क्रीन पर, और कुछ चीज़ें कटम काट करते हैं, कुछ मज़ा आएगा काफ़ी। देखो, मैं यहाँ से कट करता हूँ, देखो इसको मैं अगर यहाँ पे कट करूँ ऐसे करके, ठीक है, और ये मैंने उठा लिया, देखो यहाँ पे जो ब्लू वाला था उसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया बिल्कुल इसके सामने। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो, कॉमन सेंस की बात है कि जब मैंने थोड़ा सा एच बढ़ाया था तो इतना यूनिट जो है वो बढ़ गया था, मेरा जो एक्स स्क्वायर था वो इतना यूनिट एक्स्ट्रा जो है बढ़ गया था। इसको मैं थोड़ा ऊपर रखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, ठीक है, तो अगर ये बिल्कुल एकदम मैं इसके ऊपर रखूँगा, तो लेटेस्ट मैंने यहाँ रखा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर क्यों रखा मैंने यहाँ पर, वो अभी बाद में समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, परफेक्ट, समझ में आ गया। अब साइन की बात करते हैं, अब साइन एक्स की बात करते हैं, तो साइन एक्स मेरा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक था, तो ये मैंने पूरा काट लिया और उठा लिया इसको यहाँ से, और ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है जी, परफेक्ट एकदम। अब देखो, जो साइन एक्स था वो भी अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैं एक मिनट जरा दिखाता हूँ तुमको, देखो इतने में साइन एक्स था हमारा, और ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है, ये साइन एक्स में जो इंक्रीमेंट आया है, जब मैंने एच को बढ़ाया तो साइन एक्स प्लस एच जो इंक्रीमेंट आया है वो था ये, है ना, कितना, इतना, ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है। तो अब मैं इसको काटने वाला हूँ, अब मैं इसको काटूंगा, तो आ जाओ काटते हैं इसको भी पकड़ के, देखो तो ये जैसे मैंने इसको काटा, इतना मैंने काट लिया है, अब इसको उठाया मैंने और ये यहाँ रख दिया। नाउ यू कैन जस्ट सी कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैजिकल सी चीज़ हुई है यहाँ पर, अगर तुम समझ पाओ तो बस मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्या हुई है, क्या वो समझा सकता है कोई मेरे को? बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ब्लू कलर से था, ये मैंने तुमसे क्या बोला था, इसको मैंने एक्स स्क्वायर बोला था। ये जो ऑरेंज कलर से तुम देख रहे हो, दिस इज साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स, और फिर से जो ये तुम ऑरेंज कलर से देख रहे हो, दिस इज द इंक्रीमेंट इन साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स जितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया भाई, साइन एक्स प्लस एच हो गया होगा वो, है ना, उसमें से साइन एक्स माइनस कर लेते हैं, वही तो है ये, राइट। सिमिलरली अगर मैं इधर देखता हूँ, ये जो ब्लू कलर से तुम देख पा रहे हो, ये ब्लू कलर से क्या है, ये एक्चुअल में ये इंक्रीमेंट हुआ एक्स के अंदर, बेसिकली जब मैंने एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो वो हाइट है ये। बेसिकली इसका मतलब ये बनता है कि एफ एक्स प्लस एच, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यानी कि एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, ये जो है, ये पूरी लेंथ जो तुम देख पा रहे हो, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस में इन दोनों के डिफरेंसेस, इसको मैं थोड़ी देर के लिए चलो पी बोल देता हूँ, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्यू बोल देता हूँ, तो बेसिकली पी प्लस क्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये तो आपका एफ एक्स ही बन गया, ठीक है। तो होशियारी ये थी समझने में कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, वो होगा पी प्लस क्यू, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। बेसिकली जो इंडिविजुअल डिफरेंस आया है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स की हाइट में, उसका अगर मैं सम कर दूंगा, उन दोनों के डिफरेंसेस का अगर मैं सम कर दूंगा, तो वो इक्वल होगा उसके नेट फंक्शन के डिफरेंसेस के, ठीक है। तो ये अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बस अब हमारा काम हो चुका है, नाउ वी आर डन। जो हम समझे हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कि जो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के बारे में हम बात कर रहे थे वो एक्चुअल में बराबर है पी प्लस क्यू के, ठीक है। पी और क्यू एक्चुअल में थे क्या, है ना, पी और क्यू एक्चुअल में खुद क्या थे, तो पी एक्चुअल में पता क्या था, पी ये था एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो पी था,
और प्लस में क्यू में क्या डिफरेंस था, क्यू में था साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, प्रीवियस जो पार्ट था हमारा पावर रूल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है ना, जो पावर रूल था उससे मैं बताया कि हम इसको कैसे विजुलाइज करते हैं, इस चीज़ को हम कैसे विजुअलाइज करते हैं कि एक स्क्वायर है ना, कैसे करते हैं कि एक स्क्वायर है और वो उसकी साइड एक्स है और ये एक्स है और फिर हमने इस पर बढ़ा दिया है ना, और तो ये आ गया आपका एक्स प्लस एच वाला स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है मेनली, है ना, ये बेसिकली एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच, ठीक है। फिर प्लस में अगर मैं इसके बारे में बात करूँगा तो इसका तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया था कि वो एक सर्कल है और ये एक ऐसे है ना, और ये फिर ऐसे बन रहा है, तुम्हें याद होगा। तो ये जो था ये किसके बराबर आ गया था, ये बराबर आ गया था इसके कॉस एक्स और आपका यहाँ पर मैंने जो प्रूफ किया था वो तो ये था साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच जो है वो कॉस एक्स के बराबर है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा एच के साथ, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ याद आ रही होगी तुमको, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अच्छा जी, ठीक है। नाउ वॉट, अगर अब मैं इसको देखता हूँ क्योंकि फिर से वही चीज़ होने वाली है, तो अब मैं इसको पहला पॉइंट डिवाइड करूँगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय आपका वही एच, तो जब डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा एच प्लस टू एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है जी। और जब तुम लिमिट ले लोगे फाइनली, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा पूरा का पूरा और सिर्फ ये बचेगा। और इसको देखते ही तुम समझ गए होगे बेसिकली कि ये हुआ क्या, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स जो हमारे पास था, जब हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये मिल गया, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो बेसिकली इंडिविजुअली आपके डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। और ऐसा मैंने तो सिर्फ अभी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स लिए बोला है, पर तुम समझ गए होगे कि यार ये तो हमेशा ही होगा, है ना, ये चीज़ तो हमेशा ही होगी। ब्लू कलर का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स दिख गया एकदम से तुमको, चलो कोई नहीं। ये ऑरेंज कलर का साइन एक्स है, ब्लू कलर का एक्स स्क्वायर है और पिंक कलर का आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है, ठीक है, परफेक्ट। अब तुम चाहो तो यहाँ पर फिर से बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो जैसे मैंने सोचा अभी तुम्हें बताया था, तो तुम पॉज करके सोच सकते हो, बाकी तो वो सेम चीज़ ही, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें लाता हूँ मल्टीप्लीकेशन वाले पर, तो मल्टीप्लिकेशन वाला इतना खुद में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा वो क्लियर है नहीं खुद में अगर तुम ग्राफिकली सोचोगे तो, ठीक है। मतलब पहले तो हमने एक्स स्क्वायर लिया, फिर वही हमने साइन एक्स लिया, और फिर अब हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया एंड दैट इज दिस ग्राफ, ठीक है, काफ़ी अजीब सा ग्राफ बनता है, नो डाउट ऑन दैट, ठीक है। पर क्या मतलब कैसे इसको सोचा जाए, तो ऐसे अभी तक तो मैं सोच नहीं पाया हूँ, मैंने काफ़ी कोशिश करी ऐसे सोचने की पर मैं सोच नहीं पाया। तो इसको हम समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए हम अपना वही वाला मेथड यूज़ करेंगे, क्या कहते हैं इसको, बॉक्स वाला मेथड, ठीक है ना, मतलब कि ये वाला, लेट मी शो यू, ठीक है। मतलब क्या कि तुम एक स्क्वायर को सिंपल कंसिडर कर लो, ग्राफ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये ग्राफ को रहने दो, साइड है एफ और दूसरी साइड है जी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, जैसे बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर एक्स के लिए उसकी साइड ये है, जैसे बेसिकली ये तो एफ एक्स और जी एक्स है, ठीक है। तो हमने कोई एक्स इक्वल्स टू ए के लिए अगर हम ऐसा करेंगे तो ये एफ ए और जी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैं इस ए को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस रेक्टेंगल के साथ क्या होगा, ये रेक्टेंगल कुछ ऐसे बन जाएगा, ओ सॉरी कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐसे करके डेटा से बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है दिस इज एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, और ये जो है दिस इज जी एक्स प्लस एच, ठीक है जी, परफेक्ट। तो अब ये जो नया एरिया आया है दिस इज एफ एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई बाय जी एक्स प्लस एच, ठीक है, और ये बराबर है किसके, पहले तो इनिशियल एरिया एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, वो तो ये वाला हो गया आपका, है ना, ये वाला स्क्वायर, और उसके बाद ये जो एल टाइप का तुम्हें दिख रहा है वो, अब वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो अभी निकालना आता ही है, तो मैं ज़्यादा एनिमेशन को शो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है भाई, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो प्लस में ये है आपका एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जो भी यहाँ पर ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, अगर ये डिफरेंस के बारे में बात करूँ, इसको मैं थोड़ी देर चलो पी बोल देता हूँ, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू पी प्लस में अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल की बात करता हूँ, है ना, इस वाले की, तो ये क्या है, ये है जी एक्स इंटू क्यू, ठीक है, ये q क्या है, तो इसको मैंने q बोल दिया, ठीक है, और फिर प्लस में p इंटू क्यू, ठीक है, प्लस में p इंटू क्यू, ओके परफेक्ट। अब अगर अब मैं इसके डिफरेंस के बारे में बात करता हूँ, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस, सॉरी एफ एक्स प्लस एच जी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, तो ये बराबर आ रहा है एफ एक्स इंटू पी के प्लस में जी एक्स इंटू क्यू के, ठीक है, प्लस में पी क्यू। अब फिर से वही वाली बात है कि जैसे जैसे मेरा h छोटा होता जाएगा, तो अब तुम्हारे दिमाग में वो एनिमेशन आ रहा होगा, जो मैंने पावर रूल जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था, पावर रूल पढ़ाया था ना एक्स स्क्वायर का, तब मैंने ये डायग्राम बनाया था, तो वो जो एनिमेशन था उसके हिसाब से क्या हो रहा था, ये बिल्कुल छोटा होता हुआ बिल्कुल इतना सा हो जाएगा, तो तब ये जो छोटा सा पी क्यू है, ये तो हम इसको तो हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर मार सकते हैं, ठीक है, तो इसको तो हमने इग्नोर मार दिया, ठीक है, डन है बात।
तो अब इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अब मुझे ये बताओ ये पी और क्यू क्या चीज़ है। तो भाई पी क्या है और ये क्यू क्या है? तो पी क्या है, पी एक्चुअल में जी में डिफरेंस है ना, कि जो बड़ी वाली साइड है मेरी जी एक्स प्लस एच उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ जब वो छोटा था तब। सिमिलरली क्यू क्या है कि जो बड़ी वाली साइड थी मेरी एफ की उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ एफ एक्स को। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके है ना, बिल्कुल आई थिंक सो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार इसको रीड कर सकते हो। तो अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब मुझे बस लिमिट लेनी है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यू कैन क्लियरली सी अपने आप ही बन गया, जो बिल्कुल बिल्कुल वही है जो हमने डेरिवेशन किया है। एक तरीके से ये वही सब हो रहा है पर एक अलग इंटुएटिव स्टाइल में। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया जी डैश एक्स प्लस में ये हो गया आपका जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, तो वही हमारा सिंपल सा जो प्रूफ है वो हमारा हो गया। एफ जी का क्या मतलब होता है, पहले एफ को डिफ्रेंशिएट कर लो, उसके बाद क्या कहते हैं इसको जी को डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और ये इसकी फील हो गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे चेन रूल। ठीक है, मेरे को पर्सनली ये जो आज का वीडियो था इतना पसंद नहीं आया क्योंकि ऐसा कुछ महान इसमें इंट्यूशन नहीं था। ठीक है, पर चेन रूल जो है, ठीक है, वो तो तुम्हें मतलब मज़ा आ जाएगा चेन रूल में। ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया है और वो एक्सक्लूसिव भी होगा क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी चेन रूल को उस तरीके से समझाया नहीं है जिस तरीके से मैं देखता हूँ चेन रूल को। ओके देन, देखते हैं अगले वाले में।